डॉक्टर साहब को इलाज करना था, बताइए ठगी करने लगे, इलाज कर लेते तो ऐसी फोटो न छपती। छत्तीसगढ़ में खूब ठगी हो रही, एक हफ्ता भी नहीं बीत रहा है और ठगी का नया मामला सामने आ जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग ठगे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को ठगा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ऐसा ही एक मामला आया है, तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस आरोपी की है जिसने करीब 200 करोड़ की ठगी की है। 200, अरे भाई छोटा मोटा आंकड़ा ही नहीं आ रहा है, 40 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़। और दूसरी तस्वीर उन लोगों की है जिनकी जमा पूंजी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में चली गई। पहले भी आपको बताया था, शॉर्टकट मत अपनाइए भाई, शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का, मेहनत करना पड़ेगा। और जानते हैं ये ठगी करने वाला आरोपी कौन है? इस 200 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाला आरोपी एक डॉक्टर है, एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास लोग इलाज के लिए जाते थे, ठीक होने के लिए जाते थे। इस डॉक्टर का नाम M.K. खंडूजा है, जिसने जिंदगी बचाने की बजाय लोगों के साथ ठगी की। 300 से ज्यादा लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया और BSR हेल्थ वेंचर में पैसा लगाने के नाम पर लोगों को ठग लिया और फिर सबके पैसे लेकर फरार हो गया। आरोपी डॉक्टर M.K. खंडूजा ने इस पूरी ठगी को 2017 में ही अंजाम दिया था और तब से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस पिछले 6 सालों से इस डॉक्टर की तलाश में जुटी थी। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पीड़ित क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, सुनाइए। लोगों के घर जा करके उनको लालच देता था कि आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। 6 लाख रुपया जमा कराया तो इन्होंने कुछ महीने तक, मतलब करीबन साल भर करीबन पैसा दिया प्रॉपर, के बाद से फिर उन्होंने 2017 से देना बंद कर दिया। हमारा पैसा उनको वापस मिल जाए यही चाहते हैं। बेल ना मिले, अंदर ही रहे वो, और जब तक कि और पुलिस कार्रवाई हो और पुलिस हमारा पैसा रिटर्न करवाए। पीड़ित अपने पैसे वापस चाहते हैं। आरोपी डॉक्टर ने 200 करोड़ की ठगी कैसे की है ये भी जान लीजिए। चलिए विस्तार से बता देता हूं कैसे किए। डॉक्टर M.K. खंडूजा पहले BSP में डॉक्टर था, बाद में नौकरी छोड़कर उसने एक क्लिनिक खोल लिया। खंडूजा ने BSP से साठ गांठ करके अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची निकाली, इसके बाद उनसे संपर्क करके इन्वेस्ट करने की बात कही। उसने लोगों को उनकी कमाई का 3-5% ब्याज देने का वादा किया और फिर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में लोगों से मोटी रकम ली। इसके जरिए डॉक्टर ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। इन पैसों से उसने अपने बैंक का लोन भरा, लेकिन अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दी और फिर पूरे हॉस्पिटल को बेचकर भिलाई से फरार हो गए। ठगे गए लोगों को जब कुछ समय बाद डॉक्टर के फरार होने और ठगी का पता चला तो लोगों ने थाने में इसकी शिकायत की। शिकायत के 6 साल बाद पुलिस ने इस आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर दुर्ग ASP सुगनंदन राठौर क्या कह रहे हैं सुनिए। छावनी थाना में एक पेंडिंग अपराध था जिस पर डॉक्टर खंडूजा के खोजबीन पता तलाश चल रही थी, जो फरार चल रहे थे। उनका सूचना मिला कि कलकत्ता में रह रहे हैं, तो हमारी टीम वहां गई थी और गिरफ्तार करके यहां लाया गया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी और अन्य थानों में भी आरोपी के खिलाफ शिकायत है, कुछ शिकायत पेंडिंग है, कुछ अपराध पेंडिंग है, वो सभी को एग्जाई किया जा रहा है। बहुत शातिर डॉक्टर भाई, अपनी पूरी पढ़ाई और बुद्धि इसने लोगों को ठगने के लिए लगा दी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक डॉक्टर भी ऐसा कर सकता है। कई बार ठगी की खबरें दिखा चुका हूं और आप लोगों से बार बार कहता हूं, ठगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, पैसे कमाने के शॉर्टकट में मत पड़िए, नहीं तो कोई ठग आपकी मेहनत की कमाई उड़ा ले जाएगा। और इसीलिए कह रहा हूं, सावधान रहिए।